please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य हैं। उन्होंने जीव कल्याणार्थ समस्त शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के सार गर्भित सिद्धांतों को अपने प्रवचनों द्वारा सरल भाषा में प्रकट किया है, जिसे जन साधारण भी सुगमता से हृदयंगम कर सकता है। अपने मनमोहक प्रवचनों में प्रमाण स्वरूप जब वे श्लोकों को बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि समस्त वेद, शास्त्र व पुराण आदि मूर्तिमान होकर उनके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। इतना ही नहीं, भगवत भक्तों को प्रत्यक्ष भगवत लाभ देने के लिए प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर इलाहाबाद के निकट अपने जन्म स्थान मनगढ़ में श्री महाराज जी एक मास का साधना प्रोग्राम रखते हैं। इस प्रोग्राम में नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन, एवं प्रवचनों द्वारा वे ब्रजरस की जो धारा प्रवाहित करते हैं उसमें निमग्न होकर भक्तजन अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते हैं। आइए हम लोग भी अब उनकी अनुपमेय प्रवचन व संकीर्तन माधुरी का पान करें। कौन सी चीज है जिससे सबको सुख मिले और सदा मिले और सदा एक सा मिले? हमको पहली बार कोई चीज मिलती है, हम बहुत गरीब घर में पैदा हुए, साइकिल भी नहीं, आज साइकिल मिली, बड़ा सुख मिलेगा। रोज पैदल जाते थे ऑफिस, आज साइकिल पर जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे बगल से निकल गया एक मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल होती तो सुख मिलता, अब वो साइकिल बेकार हो गई। कल मोटरसाइकिल भी आ गई तो हमारे बगल से एक कार निकली, उससे वो गंदा वो पानी सड़क का उछला और मेरे ऊपर गिरा। कार वाला चला जा रहा है साला, कपड़ा खराब कर दिया हमारा। हमारे भी कार होती तो ठास बैठ के चलते। यही बीमारी स्वर्ग में भी है, सब दुखी है अपने से आगे वाले को देखकर। अब अपने से नीचे वाले को देखकर भूल गए ये साइकिल पे जा रहा हमारे मोटरसाइकिल है। आप कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल हम दिए हैं। आप कितना पढ़े हैं? हम डीलिट हैं। पिछक गए, इसलिए हम जिंदा हैं। हमसे आगे भी हैं लोग, हमसे नीचे भी हैं लोग,
और हैं सब दुखी। जिस वस्तु से सुख मिलता है उसी से दुख। पिताजी की बात मान लिया, पिताजी बहुत खुश, चिपटा लिया। नहीं माना, दूसरी बार भी नहीं माना, पहले डांटा, फिर गाली, फिर झापड़। क्या हो गया, कल तो आप हमको बड़े चिपटा रहे थे, आज क्या हो गया आपको? वही माँ, वही बीबी, वही पति, वही बेटा, दिन में 10 बार प्यार फिर खार, फिर प्यार फिर खार। ऐसा क्या है, अगर उसमें सुख है तो सदा मिलना चाहिए। वो घटता जाता है। कोई भी चीज देखो, इंग्लैंड गए हो? नहीं। बड़ी इच्छा है इंग्लैंड देखते, अमेरिका देखते। देखा है? हाँ देखा है। क्या बात, कुछ नहीं, ऐसे ही है सब, पृथ्वी ऐसे, जल ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही, 420 आदमी है वहां, सब कुछ ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं। यहाँ साइकिल की ज्यादा चोरी होती है, वहां कारों की होती है ज्यादा। सबके वही वासनाएं हैं, वही मन है, वही बुद्धि है, वही कामनाएं हैं, वही हाय हाय है, हर जगह एक सा है। तो हम समय, हमारा संसार का जो अनुभव है उस पर विचार करना चाहिए। कि 1000 बार तो हमने बाप को, माँ को, बीबी को, बेटे को चिपटाया, लेकिन सुख का अंतर होता गया, और एक समय ऐसा हुआ कि उसकी ओर देखने को मन नहीं करता, कि मर जाए तो अच्छा। ओ, हमारी तो लाइफ खराब हो गई, ऐसा पति मिला, ऐसी बीबी मिली, ऐसा बेटा पैदा हुआ, राक्षस। ये सब आप लोगों को अनुभव में बता रहा हूं। अगर किसी स्त्री से पूछो तो तुम्हारे पति से लड़ाई होती? बिल्कुल नहीं होती, तो बिल्कुल देवता है। तो अब जब संसार में सुख नहीं है हमारा, तो फिर भगवान में ही होगा, क्योंकि तीसरी चीज कोई नहीं। ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाए, बैठ जाए, उठे ना, कोई संत मिला, कोई संसार की चपत लगी, तो आ जाती है ये बात दिमाग में। हाँ, थोड़ी देर में फिर भूल गया। ये कुत्ते होते हैं ना, ये बेचारे जब बहुत भूखे होते हैं तो घर में घुस जाते हैं। आप खाना खा रहे हो तो आपके पास दौड़ते हैं। पेट ऐसे ही है, आप डंडा मार देते हैं, चिल्ला के जाता है बेचारा, दर्द होता है, दूर जाके देखता है ये मनुष्य है, बलवान है, भैया मार दिया, मैं क्या करूं? अगर ये भी मेरी तरह भूखा होता और कोई डंडा मारता रोटी मांगने पर, तब इसको आइडिया होता। और इतनी देर में फिर रोटी दिखाया उस आदमी ने, भूल गया डंडा मारा था, और पूंछ घुमाता हुआ आ गया।
कोई बात नहीं मारा है तो रोटी दे रहा है। बस ठीक यही हाल हमारा है माँ बाप बेटा स्त्री पति के प्रति। दिन में 10 बार वो डंडा मारते हैं, हम विरक्त होते हैं और फिर वहीं से नाक रगड़ते हैं। मेरो मन हरी जू हठ न तजे। तो अगर गंभीरता से विचार करे कोई तो ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहां सुख नहीं है, ये तो पक्का करो यहां हमारा सुख नहीं है। हमारा हमारा माने मैं का, मैं माने जो मेरा ना हो, मेरा शरीर मेरा मन मेरी बुद्धि ये सब मेरा है, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं ये मेरा आश्रम है, आप आश्रम तो आपके ऊपर खील ठोकू, अरे नहीं जी मैं आश्रम नहीं हूं, मेरा आश्रम है ये। तो फिर आपका शरीर है, आप शरीर नहीं है, ये आप नाम की चीज क्या है? वो कोई ऐसी चीज है कि जब वो आ गई तो ये शरीर कर्म करने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, सूंघने लगा, सोचने लगा, और जब वो चला गया चढ़ गया। वही माँ वही बाप जो इस शरीर को देखने के लिए तरसते थे, ओ ये विश्व सुंदरी है, इधर से जा रही है स्टेशन से और भीड़ जा रही देखने को, अरे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है आज, चलो देखे। अरे अगर आपके परिवार में कोई शादी होती है और कोई विवाहिता लड़की आती है, चलो देखे दुल्हन, क्या देखोगे दूसरे की दुल्हन क्या देखोगे, आंख नाक में वही तो उसके भी है जो तुम्हारी है दुल्हन को, परेशान है। तो हमारा ये शरीर है, हम जीव हैं, तो हमारे लिए भगवान, शरीर के लिए संसार, अलग अलग बिल्कुल बना हुआ है भगवान का विधान। भगवान के हम अंश हैं तो हमारा सुख भगवान में, और शरीर चलाना है कोई बैठ के केवल भगवान का ध्यान करेगा तो 24 घंटे बाद जब भूख लगेगी तो भगवान भूल जाएगा। तो शरीर के लिए भी चाहिए सब सामान, जिससे शरीर बना है वही सामान चाहिए। पंच महाभूत से ये शरीर बना है मां के पेट में, इसमें पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, और यही 5 चीज का ये भगवान ने हमारे लिए संसार बनाया है। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, बहुत बड़े बाप हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रबंध किया है। खाली एक फल नहीं, हजारों फल बनाए हैं, रोज नया नया फल खाओ, हजारों अन्न बनाए हैं, हजारों तरकारियां बनाई हैं,
ऐसा बाप हूं मैं शरीर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हम हैं। बस इतना सा समझ ले कोई आदमी और समझे रहे 24 घंटे, थोड़ी देर को नहीं, अपने संसारी बाप को आप लोग बाप कहते हैं और मानते हैं, हाँ 24 घंटे मानते हैं, हाँ कोई प्रमाण है आपके पास कि वो आपका बाप है? प्रमाण नहीं है, माँ कहती है, बाप कहता है, पड़ोसी कहता है, मान लिया और सदा माने रहे। हाँ, और जब आपसे कहा जाता है कि भगवान आपका है, आत्मा का परमात्मा है, शरीर का बाप ये है, शरीर के बाप को आत्मा का बाप न मान लो, शरीर के सुख को आत्मा का सुख न मानो, धोखा है। ये संसार शरीर चलाने के लिए है, आत्मा का सुख परमात्मा में है। बस इतनी सी बात समझने की है। और कुछ नहीं लिखा वेद शास्त्र पुराण में। अगर आप कहें जगत गुरु जी बड़े शास्त्र वेद के ज्ञाता है, अरे हुआ करेंगे ज्ञाता, लेकिन ज्ञान इतने सा है बस, कुल जमा टोटल। अगर आप इतना ज्ञान पक्का समझ कर मान ले, हो गए आप जगत गुरु के बराबर काबिल। कोई कहे न कहे पागल है। सारे शास्त्र वेद को समझने के बाद यही पहुंचेगा वो आदमी, मैं आत्मा हूं, मेरा सुख परमात्मा श्री कृष्ण में है और ये मेरा शरीर है, इसके लिए भगवान ने संसार का सामान बनाया है। और दोनों आवश्यक है। ये कहना कि संसार मिथ्या है पागल है, और ये कहना कि भगवान की कोई जरूरत नहीं हो तो और अधिक पागल है। होते हैं ऐसे भौतिकवादी, केवल भौतिकवादी, केवल अध्यात्मवादी, है संसार मिथ्या है। कौन सा विश्व में महापुरुष हुआ जो संसार को मिथ्या मान रहा है? ओ शंकराचार्य के बाप कोई सन्यासी हो, उसी संसार के आगे हाथ फैलाया है उन लोगों ने, गृहस्थियों के आगे रोटी दे दो। क्यों? ये तो मिथ्या है ना, क्यों रोटी मांग रहे हो? तुम तो ज्ञानी हो, भगवान के आनंद में पड़े रहो, खाओ पियो मत, कुछ नहीं चलेगा। भूख लगेगी ज्ञानी को भी, प्यास लगेगी ज्ञानी को भी, हवा चाहिए ज्ञानी को भी, आकाश चाहिए ज्ञानी को भी। संसार के बिना नहीं काम बनेगा, सिद्ध महापुरुषों के दादा का ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। ये बात बार बार चिंतन करके पक्का करना होगा, बार बार चिंतन किया है आपने, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, बार 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 बार, तब पक्का हुआ है। दोस्ती दुश्मनी जितना चिंतन करोगे उतने पक्का होगा। और थोड़ा सा चिंतन करके छोड़ दिया,
कोई संत का सत्संग मिला तो ज्ञान हुआ। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर भूल गए क्योंकि चिंतन नहीं किया। शास्त्र कहता है श्रोतव्य फिर मंतव्य फिर निदिध्यासितव्य। वेद शास्त्र गुरु की बात सुनो नंबर एक, फिर बार बार मनन करो, मनन रिविजन, तब पक्का होगा, तब प्रैक्टिकल होगा, तब लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अब आप लोग समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की। राधा कृष्ण राधा।